7i न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुजिता। और खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सिक्किम में बड़ा उलटफेर, एसडीएफ के 10 विधायक भाजपा में शामिल, भाजपा के राम माधव ने दिलाई सदस्यता। दिल्ली के गांधीनगर मार्केट में लगी आग, दमकल की 21 गाड़ियां मौके पर, किसी हताहत की खबर नहीं। कांग्रेस ने दिए गठबंधन के संकेत, बंगाल में ममता के साथ मिला सकती है हाथ कांग्रेस, कल्याण बनर्जी की राहुल से हुई बातचीत। 2 साल में 2560 छात्रों ने आईआईटी और आईआईएम छोड़ा, इंस्टीट्यूट छोड़ने वाले 1233 छात्र एससीएसटी वर्ग के। अनुच्छेद 370 पर बोली प्रियंका गांधी, कहा सरकार ने असंवैधानिक तरीके से किया काम। और अब खबरें विस्तार से। सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट को आज बड़ा झटका लगा है, पार्टी के 10 विधायक आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। ये भाजपा महासचिव राम माधव की अगुवाई में सभी विधायकों ने सदस्यता ग्रहण की। बता दें कि देश में सबसे लंबे समय तक सीएम पद संभालने वाले राजनेताओं में शुमार पवन चामलिंग की पार्टी इसी साल लोकसभा चुनाव के साथ कराए गए विधानसभा चुनाव में 32 सीटों वाले राज्य में बहुमत हासिल नहीं कर पाई थी और 15 विधायकों के साथ विपक्ष में बैठी थी। चुनाव में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को 17 सीटें हासिल हुई थी और प्रेम सिंह तमांग मुख्यमंत्री बने थे। दिल्ली के गांधीनगर मार्केट में मंगलवार सुबह उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब वहां भीषण आग लग गई। आग लगते ही इसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई। इसके बाद दमकल की 21 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने व राहत बचाव का कार्य शुरू कर दिया। हालांकि अभी तक ये जानकारी नहीं मिल सकी है कि आग कैसे लगी और कितने विस्तृत क्षेत्र में लगी है। मौके पर पुलिस बल मौजूद है, अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। कांग्रेस ने तृणमूल कांग्रेस के साथ अनौपचारिक बातचीत करनी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दोनों गठबंधन के लिए राजी हो सकते हैं ताकि भाजपा के विजय रथ को रोका जा सके। पिछले हफ्ते बजट सत्र के दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने टीएमसी के लोकसभा चीफ व्हिप कल्याण बनर्जी से लगभग आधे घंटे तक बातचीत की थी। बातचीत में राहुल ने बनर्जी से पूछा था कि वो राज्य में किसे अपना दुश्मन मानते हैं। उन्होंने राज्य में दोनों पार्टियों के समन्वय को बढ़ाने की भी बात कही। आखिरी निर्णय पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को लेना है। राहुल और बनर्जी के बीच औपचारिक बातचीत तब हुई जब टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने इसी मुद्दे पर पहले बात की थी। मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय की हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 साल में करीब 2500 छात्रों ने देश के आईआईएम और आईआईटी इंस्टीट्यूट की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। इनमें से 2461 छात्रों ने आईआईटी और 99 ने आईआईएम छोड़ दिया है। आईआईटी छोड़ने वालों में 48%, जबकि आईआईएम छोड़ने वालों में 62.6% छात्र आरक्षित वर्ग के हैं। सबसे ज्यादा 782 छात्र आईआईटी दिल्ली छोड़ने वाले हैं, वहीं आईआईएम इंदौर छोड़ने वाले सबसे ज्यादा छात्र 17 हैं। बोर्ड के मुताबिक संस्था छोड़ने वाले एससी एसटी और ओबीसी छात्रों का प्रतिशत सामान्य वर्ग के छात्रों या तो बराबर है या उनसे ज्यादा। हालांकि आरक्षित वर्ग के छात्रों का एडिशनल लेने का प्रतिशत सामान्य वर्ग के छात्रों से कम है। यह स्थिति छात्रों के साथ भेदभाव की ओर इशारा तो करती ही है, साथ ही जातिगत आरक्षण को लेकर सवाल भी खड़े करती है, जिसमें कम अंक आने के बाद भी आरक्षित वर्ग के विद्यार्थी इन संस्थानों में एडमिशन लेते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाने को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अनुच्छेद 370 हटाने का सरकार का तरीका असंवैधानिक है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र स्थित उम्भा गाँव आई थी, जहाँ उन्होंने कुछ दिनों पहले जमीन विवाद में हुए हत्याकांड के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। भारी बारिश के चलते कच्छ के बॉर्डर हाजीपीर के पास सतेश कंपनी में 300 मजदूर के फंसे होने की खबर है। खबर के बाद प्रशासन हरकत में आया और उच्च अधिकारियों एसडीआरएफ की टीम के साथ मदद के लिए मौके पर निकले, लेकिन रास्ता खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर की मदद लेनी पड़ी और सभी को सही सलामत निकाल दिया गया है। 7i न्यूज के लिए कच्छ भुज से भरत ठाकुर की रिपोर्ट। नगर के टॉकेज गली स्थित मनोकामना कामेश्वर महादेव मंदिर और मंगलेश्वर महादेव मंदिर
गौरी शंकर मंदिर सहित नगर के प्रमुख मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। मंदिरों में भी आकर्षक सजावट की गई, जिसे देखने के लिए भक्तों को लंबी लंबी लाइन से गुजरना पड़ा। नगर के श्री चंद्रमौलेश्वर महादेव मंदिर में जय महाकालेश्वर की सजी हुई प्रतिमा आकर्षण का केंद्र रही। वहीं मनोकामेश्वर महादेव मंदिर पर श्री बगलामुखी माता की प्रतिमा बनाई गई, जिसे देखने के लिए दर्शकों में उत्साह देखा गया। सभी मंदिरों में भक्तों ने पूजा अर्चना कर लाभ लिया। जगह जगह प्रसादी का वितरण भी किया गया। 7i न्यूज के लिए देपालपुर से विशाल चांदना की रिपोर्ट। श्रावण मास का चतुर्थ सोमवार है और आज बहुत बड़ा योग है, क्योंकि श्रावण मास में द्वितीय बार सोम प्रदोष आज आया है और यहाँ पर चंद्रमौलेश्वर महादेव का आज दिव्य महाकाल रूप दिया गया और भक्तों द्वारा यहाँ पर अनेक प्रकार के यजमान यहाँ पर आते हैं। इस वर्ष में हमने बाबा का श्रृंगार किया और माँ बगलामुखी का धारण किया है भोलेनाथ, और बहुत जनसंख्या लोग बाग दर्शक आए हैं और प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। विजयपुर क्षेत्र की प्रमुख ग्राम पंचायत अग्रा की मेन मार्केट में गंदगी एवं कीचड़ का अंबार लगा हुआ है, लेकिन इस और ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव का कोई भी ध्यान नहीं जाता। बता दें कि अग्रा की मार्केट से आसपास के 28 गांवों के लोग यहां खरीदारी करने आते हैं। कीचड़ भरे रास्ते पर ना सिर्फ ग्राहकों को परेशानी आ रही है, बल्कि स्कूल जाने वाले बच्चे आए दिन फिसल कर गिर जाते हैं। इस समस्या को लेकर दुकानदारों ने कई बार पंचायत के जिम्मेदारों से गुजारिश की, मगर इस और उनका ध्यान कभी नहीं गया। 7i न्यूज के लिए विजयपुर से कोक सिंह ठाकर की रिपोर्ट। बेहतरीन दुकान, उसमें मिठाइयों की ऐसी सजावट कि डायबिटीज पेशेंट का मन भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। लेकिन अगर आपसे कहें कि इन मिठाइयों में गंदे शौचालय के पानी की मिलावट है तो लगाना झटका। कुछ समय पहले ही जब ग्वालियर कलेक्टर अनुराग चौधरी के निर्देशन पर SDM पुष्पा पुष्पाम ने ग्वालियर के कटोरा ताल पर फेमस जोधपुर मिष्ठान भंडार को चेक किया तो कुछ यही हकीकत सामने आई। जोधपुर मिष्ठान भंडार में रखी मिठाइयां तो ललचा रही थी, लेकिन पास ही में जब इनके कारखाने में टीम पहुंची तो देखकर सभी दंग रह गए। नीचे से टूटे दरवाजे के शौचालय से सटकर मिठाइयां तैयार हो रही थी। मिठाइयों को बनने के लिए इस्तेमाल होने वाला पानी भी इन्हीं गंदे शौचालय से सप्लाई हो रहा था। कुल मिलाकर नाम बड़े और दर्शन आप खुद समझ सकते हैं। 7i न्यूज के लिए ग्वालियर से यतेंद्र सिंह की रिपोर्ट। नगरपालिका के कर्मचारियों को एरियर्स का लाभ नहीं मिलने के कारण कर्मचारियों ने सूचना देने के बाद मंगलवार को हड़ताल शुरू कर दी है। कर्मचारियों ने नगरपालिका में पहुंचकर जमकर नारेबाजी की, और बता दें कि 15 अगस्त तथा रक्षाबंधन का त्यौहार होने के बावजूद नगरपालिका कर्मचारियों को मजबूर होकर अपने हक की लड़ाई के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। दूसरी ओर प्रशासनिक अमला अभी तक समस्याओं का समाधान नहीं कर पाया है। अब देखना यह है कि क्या त्यौहार के दिन शहर में गंदगी फैली रहेगी या कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। 7i न्यूज के लिए दमोह से राजू प्रिंस की रिपोर्ट। 26 जुलाई को पन्ना जिले में अटहरा नाला के पास नीलेश द्विवेदी की कुछ लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने इस मामले में 9 आरोपियों को 2 कट्टे और 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की पहचान लाल साहब उर्फ वासुदेव सिंह, राजा उर्फ दिवाकर देव, जगदीश सिंह, भूपत अहिरवार, शेख सत्तार, गोलू उर्फ महिपाल सिंह, विकास द्विवेदी, संत राजा उर्फ मानदेव सिंह, विवेक सिंह, अभिषेक शुक्ला के रूप में हुई है। अन्य आरोपी उर्फ अजय परमार अभी फरार है, पुलिस उसे तलाश कर रही है, जिसकी गिरफ्तारी होना शेष है। 7i न्यूज के लिए पन्ना से सत्यम पांडे की रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर RPF द्वारा मेहर रेलवे स्टेशन पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। साथ ही RPF द्वारा सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए पुख्ता इंतजाम किए गए। इस चेकिंग अभियान में RPF थाना प्रभारी SL रावत, प्रधान आरक्षक विनय त्रिपाठी, आरक्षक कुलदीप शुक्ला, GRP से राकेश गर्ग शामिल रहे। 7i न्यूज के लिए सतना मेहर से रविशंकर पाठक की रिपोर्ट। सतना रामपुर बघेलान के शासकीय महाविद्यालय नेहरू युवा केंद्र सतना युवा कार्यक्रम अंतर्गत स्वच्छता अभियान के तहत स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन डिप्टी डायरेक्टर पवन दुबे के निर्देशानुसार और सौम्या जैन के मार्गदर्शन में किया गया, जिसमें स्वच्छता उद्घोधन, स्वच्छता शपथ एवं वृक्षारोपण, स्वच्छता पेंटिंग का आयोजन राष्ट्रीय स्वयंसेवक शिवानंद शुक्ला एवं पारो वर्मा द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सतीश शुक्ला, रामपुर प्रहरी संपादक और विशिष्ट अतिथि महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर देवी प्रसाद तिवारी रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जल उपभोक्ता डायरेक्टर अचलेश प्यासी ने की। महाविद्यालय परिसर में वृक्षारोपण सतीश शुक्ला एवं समस्त कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। सतीश शुक्ला ने सभी को स्वच्छता का उद्बोधन देते हुए स्वच्छता की शपथ भी दिलाई। 7i न्यूज के लिए रामपुर बघेलान से सतीश शुक्ला की रिपोर्ट।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा खबरों के लिए बने रहिए 7/9 न्यूज के साथ। नमस्कार।